गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, आज का जो लेक्चर है ये हमारा साइंस के ऊपर है और लास्ट क्लास तक हमने डिराइव करा था काइनेटिक एनर्जी का फॉर्मूला। सो आज हम उसी फॉर्मूले को यूज़ करके अब जो है उस पर न्यूमेरिकल लगाएंगे। सो सबसे पहला जो क्वेश्चन है हमारा ये है, एन ऑब्जेक्ट ऑफ मास 15 kg इज़ मूविंग विद अ यूनिफॉर्म वेलोसिटी ऑफ 4 m/s। यानी कि एक ऑब्जेक्ट है जिसका मास है 15 kg और ये जो है यूनिफॉर्म वेलोसिटी से आगे बढ़ रहा है और उसकी यूनिफॉर्म वेलोसिटी है 4 m/s। अब व्हाट इज़ दी काइनेटिक एनर्जी पजेस्ड बाय दी ऑब्जेक्ट। क्वेश्चन बहुत सिंपल है, हमको इसमें सिर्फ काइनेटिक एनर्जी निकालनी है। तो सबसे पहले हम इसमें गिवन लिख लेते हैं कि हमारे पास गिवन क्या क्या है। गिवन में हमारे पास है, सबसे पहले तो है हमारे पास मास। सो m की जो वैल्यू है, m स्टैंड फॉर मास, m का मतलब होता है मास। सो मास हमारे पास है 15 kg। उसके बाद हमारे पास जो वेलोसिटी है, यहाँ पे वेलोसिटी दी है 4 m/s या 4 m/s inverse। सो हमारे पास ये दो चीज़ें हैं, हमको यहाँ पे निकालना है काइनेटिक एनर्जी। अब काइनेटिक एनर्जी निकालने के लिए सबसे पहले हमको पता होना चाहिए कि काइनेटिक एनर्जी का फॉर्मूला क्या है। सो ये होता है ½mv². सो ½mv² होता है इसका फॉर्मूला। तो इसमें हम इसको प्लेस कर देते हैं, यानी कि 1/2 × 15 × 4 × 4, क्योंकि v का स्क्वायर है, यानी कि 4 × 4, 2 से हम इसको कैंसिल कर देंगे, हो जाएगा 2। सो ये हो जाएगा 100। हमारा जो आंसर आ जाएगा ये आ जाएगा 120 joule। यानी कि सबसे पहले देखिए इसमें हमने करा क्या है, मास हमको दिया था 15 kg, उसके बाद हमको वेलोसिटी जो है वो यूनिफॉर्म वेलोसिटी है 4 m/s। इसको हमको यूज़ करके सिर्फ काइनेटिक एनर्जी निकालना है। तो काइनेटिक एनर्जी के लिए हमको चाहिए मास और वेलोसिटी। सो दोनों हमारे पास हैं, हमने इन दोनों को प्लेस कर दिया यहाँ पे और सिंपली उसको हमने सॉल्व कर दिया। तो हमारा आ गया 120 joule। जूल जो है ये यूनिट है काइनेटिक एनर्जी की, या तो ये हो जाएगा हमारा फाइनल आंसर। सो ये हमारा पहला क्वेश्चन था और उसका सॉल्यूशन। सो इसको आप नोट कर लीजिए। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है, व्हाट इज़ द वर्क टू बी डन टू इंक्रीज द वेलोसिटी ऑफ अ कार फ्रॉम 30 km/h to 60 km/h। यानी कि कितना हमको वर्क डन करना पड़ेगा ताकि हम एक कार की जो वेलोसिटी है जो कि 30 किलोमीटर पर आवर है उसको हम 60 km/h पहुंचा सकें, अगर गाड़ी का जो मास है वो है 1500 kg, यानी कि 1500 kg अगर हमारी कार का जो मास है और वो 30 km/h की स्पीड से जा रही है, तो हमको कितना एक्स्ट्रा वर्क डन करना पड़ेगा ताकि उसकी जो वेलोसिटी है वो बढ़ हो जाए 60 km/h। तो हम सबसे पहले तो इसमें हम गिवन लिख लेते हैं कि हमारे पास गिवन क्या है। सो हम लिखते हैं सबसे पहले गिवन। सो गिवन में जो है मास दिया है 1500 kg, उसके बाद जो इनिशियल वेलोसिटी है तो ये तो हमारे गिवन है इस क्वेश्चन में, तो इसको हम मान सकते हैं यू, इसको हम मान सकते हैं यू और इसको मान सकते हैं हम वी। सो ये दो हमारे पास यूनिट्स हैं। सो सबसे पहले तो ये हमारा गिवन है, सो गिवन को आप नोट कर लीजिए।
तो सबसे पहले हमारे पास जो था इसको हमको दोनों यूनिट्स को जो हमारा 30 किलोमीटर और 60 किलोमीटर है इनको हमको किलोमीटर पर आवर से हमको इनको कन्वर्ट करना पड़ेगा मीटर पर सेकंड में। सो यू है हमारे पास 30, इसको जब हम मीटर में कन्वर्ट करेंगे तो ये हो जाएगा 30। सो जब हम इन दोनों को कन्वर्ट करेंगे यू यानी कि इनिशियल वेलोसिटी हो जाएगी हमारी 25/3 मीटर पर सेकेंड और वी हो जाएगी हमारी 50 मीटर पर सेकेंड। अब हम इसको पहले वाले को हम काइनेटिक एनर्जी निकालेंगे यानी कि EK1 यानी कि हाफ mu2। सो ये हो जाएगा हमारा 50। तो जो हमारा सबसे पहले जो हम इनिशियल वेलोसिटी को यूज़ करके काइनेटिक एनर्जी निकालेंगे वो आएगी 156250/3 जूल। तो ये तो हमारा इतना है अभी, इस सबसे पहले तो आप इसको इतना नोट कर लीजिए। उसके बाद हम निकालेंगे EK2 यानी कि हाफ mv2। सो ये हो जाएगा 1/2 × 1500 × सो जब हम इसको सॉल्व करेंगे सो ये हो जाएगा 1500 × 3। सो ये हो जाएगा 625000/3 जूल। सो जो डिफरेंस है इज इक्वल्स टू EK2 - EK1। सो जब हम इनको सब्ट्रैक्ट करेंगे तो हमारा जो फाइनल आंसर आएगा तो देखिए हमने करा क्या यहाँ पे कि हमने सेकंड जो हमारे पास जो फाइनल वेलोसिटी थी उसको यूज़ करके हमने काइनेटिक एनर्जी निकाली। सो हमने एक इनिशियल से निकाली थी और एक हमने फाइनल से निकाली फाइनल वेलोसिटी से। इन दोनों को जो हमने जो इनका काइनेटिक एनर्जी निकाली इन दोनों को हमने सब्ट्रैक्ट कर दिया यानी कि फाइनल में से हमने इनिशियल वेलोसिटी का जो वर्क डन है वो हमने माइनस कर दिया, काइनेटिक एनर्जी हमने माइनस कर दिया। सो हमारा जो फाइनली जो आंसर आया वो आया 156250 जूल। यानी कि इतना वर्क डन हमको और करना पड़ेगा ताकि हम जो कार है जो कि 30 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से जा रही है उसको हम 60 किलोमीटर की आवर्स की स्पीड तक हम पहुँचा सकें। सो ये बाकी का सोल्यूशन था। सो इसको भी आप नोट कर लीजिए। सो आज की क्लास में हमने देखा कि हम किस तरीके से काइनेटिक एनर्जी के ऊपर जो है हम न्यूमेरिकल्स को सॉल्व करते हैं। सो आज की क्लास के लिए इतना ही। थैंक यू।